लो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं बढ़िया एकदम बढ़िया ही रहे देखिए हमारे प्यारा स्टूडेंट आज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग को टोटल सत्तर ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जिसमें से बीस ऑब्जेक्टिव एवरी ईयर एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाता है जो कि क्लास ट्वेल्थ का है यदि आप लोग नए नए हो तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव का तैयारी करें जिससे आप लोग एग्जाम हॉल में यहाँ जाए तो लगे कि यही ऑब्जेक्टिव एकदम फोर डालना है है कि नहीं प्यारा एकदम है चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए ऑपरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है तो ऑपरॉन मॉडल जो होता है जीन नियमन प्रदर्शित करता है किसी स्त्री में मासिक चक्र का बंद हो होना कहलाता है तो कोई भी स्त्री है उसका मासिक चक्र जब बंद हो जाता है मतलब आप लोग जानवे करते हैं मंथली कॉरपोरेशन जो होता है बंद हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो आप लोग जानवे करते क्या कहते हैं तो है? मीनो पौज क्या कहते हैं मीनो पौज कहते हैं याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्या करें फोर प्राइमरी ठीक है ना एस, पे, एस पर में टोकाइट से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है तो इससे आप लोग को जो है कितने शुक्राणु का निर्माण होता है तो वो होता है सोलह शुक्राणु का कितना सोलह आगे क्या करें एक सेकेंडरी पर में टो से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है ठीक है ना ये प्राइमरी था और ये सेकेंडरी है तो आप लोग बताएंगे सेकेंडरी में कितना होता है सेकेंडरी में दो होता है चलिए बहुत बढ़िया एकदम गर्दा मचा देना है अब की बार पंचानवे पार प्यार लाल किसी स्त्री में एक प्राइमरी ठीक है ना ओसाइट से कितने अंडाणु का निर्माण होगा तो कितने अंडाणु का तो दो ठीक है इसमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है जलीय पौधा नहीं है सो पूछा है तो नहीं है कौन सॉरी सॉरी इसका हो जाएगा आप लोगों को एक होगा ठीक है ना इसका एक हो जाएगा ओसाइट वाला में एक हो जाएगा आगे क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे इनमें से कौन जलीय पौधा नहीं है तो जलीय पौधा जो है ट्रापा नहीं है ट्रापा जलीय पौधा नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें प्यारे निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग है तो कौन सा यौन संचारित रोग है तो सायफिलिस एवं गोनोरिया साइफिलिस एवं गोनोरिया जो है आप लोगों को संचारित रोग है आगे क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और ये सब आप लोग को एग्जाम हॉल में सेम टू सेम देखने को मिलेगा क्या करें मेडिकल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ क्या करें प्रेगनेंसी कितने दिनों तक सबसे सुरक्षित तकनीक है तो कितने दिनों तक सुरक्षित तकनीक है तो गर्भा गर्भावस्था के बारहवें सप्ताह तक गर्भावस्था जब होगा उसका बारहवें सप्ताह तक नेक्स्ट क्या करें नौ नंबर में हमारे प्यारे किसके द्वारा जीन के बीच की दूरी मापी जाती है प्यारलाल और गर्दा मचा देना है समझ रहा है ना एकदम हनीमून मना देना है एकदम बायोलॉजी पढ़ के तो वो माप इकाई क्या होता है माप इकाई किसके द्वारा जीन के बीच की दूरी मापी जाती है तो माप इकाई आगे देखिए क्या कर रहा है बंध्याकरण यानी कि कि एक विधि है तो बंध्याकरण एक विधि है क्या चीज़ का विधि है तो वो है आप लोग को शुक्रवाही को छिदन ठीक है ना चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं आगे क्या कर रहे हैं हमारे प्यारे आप लोग गर्दा उड़ा देंगे एफ टू संतति की लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है तो अपूर्ण पर अप्रभाविता के स्थिति में क्या होता है प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है तो एक अनुपात दो अनुपात एक एक अनुपात दो अनुपात एक याद रखना है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्राइजीन किस फसल को बॉल क्रीमी से बचाता है क्राइजीन जो है बॉल क्रीमी से किस फसल को बचाता है सो पूछ रहा है तो वह कपास कपास को बचाता है नेक्स्ट क्या करें दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है तो दात्र कोशिका जो है अरक्तता प्रदर्शित करता है तो वो है प्लीओट्रॉपी प्लियोट्रॉपी क्या है प्लियोट्रॉपी नेक्स्ट एक गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है तो वो होता है डाउन सिंड्रोम कौन सा होता है डाउन सिंड्रोम नेक्स्ट देखेंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करा है मनुष्य में ए बी ओ रक्त समूह ए बी ओ रक्त समूह दर्शाता है क्या चीज़ को तो दोनों को दर्शाता है कौन कौन C, था बी और सी सह प्रभाविता और बहुअलील का, बहु का दर्शाता है नेक्स्ट क्या करें प्यारे प्रतिलेखन की क्रिया में कौन सी कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है तो प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है तो वो एंजाइम है आप लोग को आर एन ए पॉलीमरेज आर एन ए का जो होता है आवश्यकता पड़ता है नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं बताता हूँ सभी सब्जेक्ट का अगर पी नोट्स फ्री में आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में तो उसके लिए मैं कुछ बता देता हूँ आप सभी को आ जाना है गूगल या क्रोम पर सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार देखिए जैसा कि आप लोग बोल भी दीजिएगा स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार तो ऐसा इंटरफेस आएगा इसी पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा कैसा तो इस तरह का यहाँ पर देखिए आई एस ऐसे आप लोग डेली टेस्ट भी लगा सकते हैं यहाँ से ठीक है ना क्वेश्चन बैंक भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं लेकिन हम लोगों को आई एस में जाना है ऑल सब्जेक्ट चैप्टर बाई चैप्टर मिल जाएगा आप लोगों को चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग को, को यहाँ से मिल जाएगा देखिए हिंदी इंग्लिश मैथ भौतिकी रसायन जीव विज्ञान जो भी आप लोग खोजते हैं जैसे मान लीजिए कि आप लोग को माने फिजिक्स का फिजिक्स पर क्लिक कीजिए और आप लोग को जो खोलना है वो पेज खोल लीजिए पेज खोल लीजिए एकदम पूरा एकदम टॉप इम्पोर्टेंट चैप्टर बाई चैप्टर दे दिया गया है कब पूछा गया वो भी दे दिया गया जैसे कि 2022 में पूछा है कौन सा क्वेश्चन कब पूछा है दो में पूछा है कौन सा क्वेश्चन कब पूछा है वो पूरा एकदम 2017 और 20 में पूछा है टोटल तो चलिए आप लोग यहाँ पर आकर के विजिट करके एक बार अपना पी नोट्स डाउनलोड कर लेंगे सभी सब्जेक्ट का चैप्टर आई चैप्टर इंपॉर्टेंट है टोटल तो चलिए हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव करते हैं तो सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे डियर प्यारेलाल यहाँ पर देखेंगे युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होते हैं युग्मक जो होते हैं सामान्यता किस प्रकार के होते हैं हमारे प्यारे तो क्या होता है हैप्लोइड या एक गुणक होता है हैप्लोइड होता है हैप्लोइड नेक्स्ट क्या करा है हमारे प्यारे लाल ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है प्यारे लाल घबराने का नहीं धुआं छोड़ा देने का समझ रहे हैं ना तो वो होता है मुकुलर ठीक है नेक्स्ट वैसी बयालिस नेरिया के पुष्प है तो बयालिस नेरिया के पुष्प कौन सा है सो पूछा है तो वो होता है आप लोग को जल परागित क्या होता है जल परागित ठीक है जल परागित होता है नेक्स्ट क्या करा है प्यारलाल निम्नांकित में निम्नांकित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है तो भारी धातु प्रदूषक जल का कौन सा है सो पूछा है तो आर्सेनिक होता है और इससे पैरालसिस मार देता तो है आर्सेनिक वाला जल से नेक्स्ट क्या कराए इक्कीस नंबर में निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है तो कौन द्विगुणित संरचना है सो पूछा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वो हो जाएगा आप लोग को द्विगुणित संरचना कौन सा है तो वो युग्मनज है युग्म मतलब द्विगुणित ठीक है ना नेक्स्ट अंडज अंड प्रजन जनक है अंड प्रजनक कौन सा है प्यारे तो वो होता है इनमें से सभी मुर्गी सांप मगरमच्छ सबके सब, सब अंडा देता है अंडा सबके सब देता है नेक्स्ट मनुष्य के लिंग गुणसूत्र है तो मनुष्य के लिंग गुणसूत्र कौन सा है तो वो है एक्स वाई ठीक है ना मनुष्य का बहुत बढ़िया प्यार, प्यार लाल और यहाँ आप लोग तो धुआं छोड़ा दिए स्त्री चक्र पुष्पों में बना है तो स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है तो चौबीस का हो जाएगा आप लोग उपरोक्त में सभी तो क्या स्टिग्मा स्टाइल ठीक है ना ओवरी ठीक है ना बहुत बढ़िया एकदम सभी लोग एकदम गर्दा गर्दा कर देने का एफ टू वंशज के क्या करें मोनोहाइब्रिड जेनोटाइपिक अनुपात जो होता है एक अनुपात दो अनुपात एक दर्शाता है तो कौन सा हुआ तो वो हो जाएगा आप लोग को से ठीक है ना सेग्रेशन क्या हो जाएगा सेग्रेशन नेक्स्ट क्या कर रहा है प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे किसी पूर्ण विकसित नर गायटोखाइट में केंद्रिका की संख्या होती है कितना होता है केंद्रिका की संख्या तो उसमें होता है आप लोगों को बहुत बढ़िया शानदार तीन होता है प्यार लाल आप लोग एकदम करेक्ट किए हैं ऐसे ही करना है यदि किसी आवृत बीजी भ्रूण कोशिका में चौबीस गुणसूत्र हो तो उसके मूल में प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और इसमें आप लोग एकदम टक्का लगा लीजिए एकदम सोलह प्यारलाल सोलह एकदम सोलह का सोलह और सबसे बोला प्यारलाल सबसे बोला ठीक है ना निसेचन के समय किसी प्रारूपिक दुई बीज पत्री के मादा गेमेटो फाइट होते हैं तो गेमेटो फाइट होते हैं तो वो हो जाता है सेवन कोशकीय क्या होता है सेवन कोश्कीय नेक्स्ट क्या करा है प्यारलाल क्या करा है फिथेरी एस्टिग्मा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है तो फिटेरी स्टेगमा निम्नलिखित में किस में पाया जाता है उनतीस का आप लोग को हो जाएगा सिपलिया ठीक है ना सिस, सिसल पिनिया में सिसल पिनिया में पाया जाता है नेक्स्ट क्या रहा है प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे आगे क्या करा है प्रजनन जिन में युगम विलियन नहीं होता है क्या कहलाता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताइएगा आप लोग ठट्टी का एकदम गर्दा मचा देना है और जनन असंग जनन होता है क्या होता है असंग जनन बहुत बढ़िया एकदम नहीं होता है तो असंग जनन नेक्स्ट क्या कर रहा है ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे ड्रायोपिथिकस जो किसके समान था सबसे ज़्यादा किसके समान तो वो था एप के मतलब लंगूर के समान था वह वह पैरलाल पैरलाल कार्बनिक जैविक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ था इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है बताइए इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट तो वो है ई ओ क्या है पूरा एकदम नाम देख लीजिए ए आई ओ तथा जे बी एस हल्डेन द्वारा ठीक है ना हल्डेन द्वारा नेक्स्ट आप लोग देखेंगे बहुत बहुत वी आई ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है तो किसका उदाहरण है तो वह जगह अप सारी क्रम विकास अब सारी क्रम क्रम विकास के अब क्या करें चौंतीस में यूरे किससे संबंधित है यूरेशील चौंतीस में तो वो है आर एन ए से यूरेशील किससे संबंधित है तो आर एन ए से नेक्स्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन पूरा सत्तर क्वेश्चन में अगला दिन मैं पैंतीस करा दूंगा आज पैंतीस क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आप लोग भी बोर फील नहीं हो पाइएगा लेक ऑपेरन किसका प्रतिनिधि है तो लेक ऑपेरन किसका प्रतिनिधि है पैंतीस का एकदम राइट आंसर अनुदेशी जिन क्रियाविधि का अनुदेशी जिन क्रियाविधि का बहुत बढ़िया एकदम शानदार यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना तो आप लोग को मैं बताता हूँ नब्बे एक नंबर मैं देता हूँ नब्बे संतानवे जीरो बीस छः सौ पंद्रह इस नंबर से कांटेक्ट करके मात्र आप लोग को दो सौ निन्यानवे रुपये में, में छः सब्जेक्ट का पीडीएफ डी हंड्रेड परसेंट मैं गारंटी देता हूँ कि नब्बे नंबर किसी भी सब्जेक्ट में झुकेगा नहीं किसी भी सब्जेक्ट में झुकेगा नहीं ना। यदि नाइन्टी नंबर अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं तो मात्र दो सौ निन्यानवे रुपये में आप लोग को छः सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा इस नंबर के अंतर्गत और यही नंबर गूगल पे फोन पे व्हाट्सअप नंबर है आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उससे पहले मैं बताता हूँ फिर से एक बार गूगल पर कैसे आप लोग को फ्री में पी लेना है सो सब को पी पाने के लिए गूगल या क्रोम पर सर्च करना है आप लोग को स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार बोल भी दीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा इसी पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को देखिए ऐसे मैं शुरुआत में ही मैं बता दिया हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन बैंक दिया हुआ यहाँ आई पूरा दिया हुआ डेली टेस्ट चलता है न्यू अपडेट में बिहार बोर्ड का पूरा जानकारी मिल जाएगा ऑल बोर्ड का भी जानकारी मिलता है तो आई एस सी ट्वेल्थ पर हम लोग क्लिक किए यहाँ से पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग देखेंगे तो जैसे भौतकी पर टिपे आप लोगों को मैं टिप करके बताया था पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों को मिल जाएगा तो फटाफट आप लोग आकर के विजिट करें पूरा संपूर्ण जानकारी यहाँ से मिल जाएगा तो चलिए इतना बेस्ट ऑफ लक मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक एक लाइक करें और नए नए हो तो सब्सक्राइब करें अपने अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें बेस्ट ऑफ लक